फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और आपको अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग कैसे करें और एक अच्छा फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा एंड यू वॉचिंग माई चैनल पूजा प्याहुत। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मतलब जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो एक तरह से मैं फ्रीलांसर हूँ। मान लीजिए आपको एक यूट्यूब चैनल खुलवाना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि यूट्यूब चैनल कैसे खोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जो काम आप नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी और के द्वारा करवाते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे पेमेंट करना होता है, तो उसे कहा जाता है फ्रीलांसिंग। मतलब वो काम आपका करके दे रहे हैं और इसके लिए कुछ पैसे ले रहे हैं, तो वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसर मतलब आप हैं बायर और वो है फ्रीलांसर, मतलब वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उसे कहा जाएगा फ्रीलांसर। फिर से रिपीट करती हूँ। मान लीजिए आपको IRCTC का अकाउंट खुलवाना है। IRCTC का अकाउंट थोड़ा लंबा चौड़ा होता है और टाइम भी लगता है और हर किसी को पता भी नहीं रहता है, तो आपके पास समय भी नहीं है, तो आपने सोचा थोड़ा बहुत पैसे देकर ये काम किसी और से करवा लेता हूँ। तो आप किसी को पैसे दे रहे हैं और उसके लिए वो चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनमें स्किल है। फ्रीलांसिंग करने के लिए आप में कोई स्किल होना जरूरी है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए आप में कोई स्किल होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ टैलेंट होनी चाहिए। अगर आप में कुछ क्षमता है कुछ बेटर करने की, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो आप अपने अंदर के टैलेंट को देखिए कि आपके ऐसा क्या आता है। जब कुछ भी नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जान के रखिए और किसी के काम में आ जाए। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग कितनी प्रकार की हो सकती है, क्या क्या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ नॉलेज आपके पास हो जिससे आप यूज करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग कितनी प्रकार से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, आप YouTube वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपको थंबनेल बनाना नहीं आता है, अट्रैक्टिव थंबनेल आपको बनाना नहीं आता है, तो ये काम आप किसी और से करवाते हैं जहाँ पर वे लोग अट्रैक्टिव थंबनेल बना के देते हैं आपके YouTube वीडियोस के लिए, तो ये काम आप किसी और से करवा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का फ्रीलांसिंग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वेबसाइट डिज़ाइन। वेबसाइट डिज़ाइन हर किसी को नहीं आता, तो ये काम आप किसी और से करवाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का फ्रीलांसिंग हो गया। थर्ड एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में है बट हिंदी करवाना है या हिंदी से इंग्लिश करना है, के पास समय नहीं है या आपको उतना नहीं आता, तो ये काम किसी और से करवाएंगे ऑनलाइन में, तो इसे कहा जाता है फ्रीलांसिंग। और भी कई प्रकार से हो सकता है फ्रीलांसिंग, जैसे हो गया वीडियो बना कर देना, CEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हो गया आपका एक प्रकार का फ्रीलांसिंग, डाटा एंट्री करना, बुक कवर बना कर देना, वीडियो क्रिएट करना किसी और के लिए, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएटिंग, और भी कई प्रकार से फ्रीलांसिंग हो सकता है। जैसे वॉइस ओवर ऑन मैसेज, वॉइस ओवर जो होता है मैसेज, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैसेज लिख के दिया को जो मेल या फीमेल के द्वारा रिकॉर्ड करवाना है, वॉइस ओवर करना है, एक आवाज़ डालना है, तो ये काम भी आप करवा सकते हैं, इसे भी कहा जाता है फ्रीलांसिंग। लोगो डिज़ाइन करवाना अपनी कंपनी के लिए या किसी चैनल के लिए, किसी कंपनी के लिए अपने वीडियोस के लिए एक लोगो बनवाना, जो काम आप नहीं कर सकते हैं ये काम किसी और से करवाते हैं, तो ये भी कहा जाता है फ्रीलांसिंग। अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा वेबसाइट है, इस बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, मान लीजिए आपको बाई करनी है,
या खुद एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। सो कौन सा ऐसा ट्रिक है, कौन सा ऐसा प्रोफाइल है जहां पर आप जाकर काम कर सकते हैं या काम करवा सकते हैं, इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आ गई फ्रेंड्स में मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सर्च करेंगे फाइबर। बहुत सारे वेबसाइट है फ्रेंड्स, फाइबर है, अपवर्क है, freelance.com है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, बट ज़्यादा लोग फाइबर ही यूज कर सकते हैं। अब वेबसाइट पे चलते हैं। मान लीजिए आपको कोई लोगो बनवाना है या थंबनेल बनवाना है या एक वीडियो ही क्रिएट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं थंबनेल। अब सर्च करेंगे जो किक है। किक एक टर्म है फ्रीलांस का, जहाँ वेबसाइट में जाएंगे जिसका प्रोफाइल रहता है उसे किक कहा जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं, आप इनके मदद से थंबनेल बनवा सकते हैं, आपके पसंद में जो भी आप बनवा सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, इसे हम प्रेफर करते हैं, इसका रेटिंग अच्छा है, 5 स्टार है। अब यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ते हैं, आप इनके डिटेल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या क्या इनके पास एक्सपीरियंस है, आप जो भी डिटेल्स है आप पढ़ सकते हैं, ये क्या क्या बनाते हैं आप सब जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो भी बनवाना है इनके हेल्प से बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनसे हमको कुछ काम करवाना है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, तो इनको कॉन्टेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लॉगिन करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे, तो लॉगिन करेंगे तब आप इनके प्रोफाइल में जाकर आप इनकी से डील करते हैं और आप इनसे जो भी काम करवाना है आप आसानी से करवा सकते हैं।